हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पूरे दिन भर की जितनी भी महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यूज़ रही है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ रही है दिन भर की, तो उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज है कि पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज FIR दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। तो यहाँ पर हमारे जो पहलवान हैं, रेसलर हैं, जो ओलंपिक में मेडल जीत के आए हैं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह जो BJP की तरफ से एक MP हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की है। तो इसी के चलते वो जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, कुन्नू नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर साउथ अफ्रीका के वन विभाग का बयान, कहा कुछ भी असामान्य नहीं है। तो कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर चीते लाए गए थे नामीबिया देश, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के वन, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग ने गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में दो चीतों की मौत प्राकृतिक है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। विभाग की तरफ से कहा गया कि यह मौतें इस तरह के प्रोजेक्ट में अपेक्षित मृत्यु दर की सीमा में हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सफाई दे दी है। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि इंडिया चाइना रो में जो बैठक हुई अभी SCO की, तो चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली ने राजनाथ सिंह से चर्चा की, कहा भारत चीन सीमा स्थित है स्थिर। तो यहाँ पर नई दिल्ली में हुई भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में सीमा तनाव पर मुद्दा चर्चा का विषय था। गलवान वैली की घटना के बाद भारत की जमीन पर पहली बार हुई दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की इस मुलाकात में भारत ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, अतीक अहमद एम्बुलेंस सीधे अस्पताल क्यों नहीं गई, अतीक अहमद हत्या मामले में SC का UP सरकार से सवाल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि जिस एम्बुलेंस में अतीक अहमद और उसके भाई को लाया जा रहा था वो सीधी हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं गई, उनको बाहर ही क्यों रोक दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा था। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, रिक्शा चालक से लेकर सब्जी वाले तक हर कोई कर रहा डिजिटल पेमेंट, जाने कैसे बजा भारत का दुनिया में डंका। तो भारत के डिजिटल पेमेंट के देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे आगे है। साल 2022 में कुल 782 करोड़ ट्रांजेक्शन किए गए थे। इस दौरान भारत के दुनिया में कई देशों में को पछाड़ दिया, जिसमें अमेरिका, UK, जर्मनी जैसे कुछ देश शामिल हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि सूडान में फंसे 135 भारतीयों का 10वां जत्था सुरक्षित निकला, दूतावास अधिकारियों का परिवार भी शामिल। तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑपरेशन कावेरी करके वहां पर आप इसको पूरा जान सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, SCO मीटिंग, SCO रक्षा मंत्रियों के बीच आज होने वाली बैठक में शामिल होगा पाकिस्तान। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने वाली है भारत में, तो इसमें पाकिस्तान वर्चुअली इसको अटेंड करेगा। 2023 में SCO की अध्यक्षता भारत के पास है, तो इसकी मीटिंग भारत में होने वाली है। तो सभी रक्षा मंत्री जितने भी SCO के मेंबर हैं वो भारत में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, सेम जेंडर मैरिज, इससे गलत दिशा में जाएगा समाज, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील। तो समलैंगिक विवाह की को वैध करने की मांग वाली याचिकाओं पर बीते दिनों भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र से इस विवाद को वैध करार दिया बगैर सामाजिक अधिकार देने के बारे में पूछा। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार इस जोड़े को सामाजिक कल्याण के लाभ देने को तैयार है। इस बीच केंद्र ने विवाह को वैध करने के विरोध में अपनी याचिका दायर की। तो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, असम में जो डिब्रूगढ़ जेल है जहां पर अमृतपाल और उसके सहयोगियों को रखा गया है, वहां पर अमृतपाल ने जेल से पत्र लिखा, मेरे हौसले नहीं हुए कम, सरकार पर लगाया ये आरोप। तो आइए देखते हैं। तो अमृतपाल ने कहा कि जेल में उसके हौसले बुलंद हैं। अमृतपाल ने जेल के अंदर सियालका को गुरुमुखी में लिखा एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद से मैं यहाँ चर्दी कला में हूँ। अपने संगठन के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र करते हुए अमृतपाल ने पंजाब सरकार पर सिखों के खिलाफ कई फर्जी मामले
दर्ज करने का आरोप लगाया। वहीं एसजीपीसी ने भी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमृतपाल को पर कार्रवाई कर रही है। सूडान से लौटे भारतीय बोले, वहां अब भी जारी है लड़ाई, घर वापसी चमत्कार जैसा। सूडान में सत्ता के लिए सैन्य बलों के बीच छिड़ा हिंसक संघर्ष एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। संघर्षग्रस्त सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच 72 घंटे का संघर्ष विराम गुरुवार आधी रात को समाप्त हो रहा है। इस बीच सूडान से वाया जेद्दा घर लौटे भारतीयों ने राहत की सांस ली है। तो हमारी यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है, तो अब हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की। यहाँ पर पाकिस्तान की बर्बरता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ी हिंसा, आतंकी घटनाओं में भी हुआ इजाफा। तो पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने इस सप्ताह की शुरुआत में साल 2022 से जुड़ी अपनी प्रमुख सालाना स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जारी की है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान में बीते साल हुए राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल पर चिंता जताई। SCRPC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा समेत मानवाधिकार उल्लंघन में कई मामले सामने आए हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है पाकिस्तान में। नेक्स्ट न्यूज है चाइना ताइवान से रिलेटेड। तो ताइवान पर कब्जा करने को लगातार कोशिश में चीन 38 युद्धक विमान उड़ाकर फिर दी चेतावनी। चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने के लिए अलग अलग गतिविधियां करने में लगा हुआ है। अब हाल ही में इसे लेकर ताइवान के रक्षा मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि चाइना ने 38 विमान उनके ऊपर भेज दिए थे। तो यहां पर हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है यूक्रेन में शांति पर सी जिनपिंग और जेलेंस्की में वार्ता, युद्ध विराम की पहल पर अमेरिका ने किया स्वागत। पिछले 14 महीने में जारी यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने बुधवार को पहली बार यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान सी जिनपिंग ने युद्ध खत्म करने की संभावना पर जेलेंस्की से बात की। अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए दोनों देश के नेताओं की बातचीत का स्वागत किया है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है अमेरिका ने खुद को बताया साउथ कोरिया का रक्षा कवच, परमाणु हमला किया तो किम जोंग का अंत निश्चित। तो यहाँ पर अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में एक न्यूक्लियर डील हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति यून सुक योल ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ये वहाँ की सत्ता के लिए अंत साबित होगा। तो यहाँ पर हमारी आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी वो ख़त्म होती है। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर